मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग लेसन नंबर 5 मोर ऑन एमएस पेंट। चिल्ड्रन ऑलरेडी वी स्टडीड द यूज ऑफ एमएस पेंट। एमएस पेंट इज यूज टू ड्रॉ एंड पेंट वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स। वी कैन ड्रॉ वेरियस शेप्स ऑफ आवर चॉइस। वी कैन फिल द कलर्स वी वॉन्ट। वी कैन यूज पेंसिल टू ड्रॉ द शेप। ऑल्सो वी कैन यूज ब्रश टू ड्रॉ और फिल द colors. We have a various types of shapes already available in MS Paint. We can use them and we can draw in our paint window. Also, we can write the words in MS Paint. So, children, today we will study how can we start MS Paint on our computer. So, as you can see, this is a desktop. ये कौन सी picture है बेटा? ये desktop है. Desktop के bottom पे एक bar है जिसपे एक start button है. Just see. लेफ्ट साइड देयर इज अ स्टार्ट बटन चिल्ड्रन। वी विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। एज वी क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन अ प्रोग्राम लिस्ट विल कम। इन दिस प्रोग्राम लिस्ट वी विल क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम। हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। एज वी क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम अनादर सब लिस्ट विल कम एंड इन दैट वी विल क्लिक ऑन द एक्सेसरीज। नाउ इन एक्सेसरीज we got various types of options. In these options we have to select MS Paint. As we select MS Paint, children, MS Paint window will open on our monitor screen. This is a MS Paint window. We work in this paint window. Now when we are working in paint window, it is important to understand about control buttons. Children, there are 4 types of control buttons: minimize button, maximize button, restore button and close button. These all buttons are located on a right side of title bar. Children, these buttons are used to minimize the window, maximize the window, restore the window and close the window. One by one we will discuss. First we will understand the use of minimize button. Children, when we click on a minimize button, our window will minimize. वो छोटी हो जाएगी। इट विल नॉट सीन ऑन अ डेस्कटॉप। वो डेस्कटॉप पे नहीं दिखाई देगी और इट विल सीन एज ए आइकन ऑन द टास्क बार। नीचे देखिए, टास्क बार पे पेंट आइकन दिख रहा है। तो विंडो क्या हो गई? स्क्रीन से हिडन। वी कैन नॉट सी द विंडो अगेन। अगर हमें वापस विंडो को देखना है तो वी हैव टू अगेन क्लिक ऑन दिस पेंट आइकन बटन। हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। सो मिनिमाइज बटन मिनिमाइज द विंडो। नाउ मैक्सिमाइज विंडो। When we click on a maximize button, it maximizes the window. It covers the entire desktop screen. See children, आप ध्यान से देखिए, पूरा पेंट प्रोग्राम की विंडो ने पूरे डेस्कटॉप को कवर कर लिया है। नीचे टास्क बार दिख रहा है, अदरवाइज कोई दूसरे आइकन्स इस पर आपको नहीं दिखाई देंगे क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, विंडो को मैक्सिमाइज कर दिया है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, what is the use of restore button? Restore button restore the window to its original size. जो maximize से पहले जो उसकी size थी, अगर हमें वही size चाहिए तो we click on a restore button. Children, maximize और restore button जो हैं एक ही साथ होते हैं। जब हम one time middle button को click करते हैं तो वो maximize हो जाता है और maximize window हो जाने पर वो button किस में change हो जाता है? Restore में। और जब हम restore button पे click करते हैं और प्रीवियस साइज आ जाती है, स्मॉल साइज, तो बटन मैक्सिमाइज बटन बन जाता है। और फिर जब हम मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करते तो विंडो क्या हो जाती है? मैक्सिमाइज। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मिडिल बटन जो होता है वो वन टाइम मैक्सिमाइज करता है, अनादर टाइम उसको रीस्टोर करता है। जब विंडो मैक्सिमाइज होती है तो रीस्टोर बटन दिखता है और जब विंडो स्मॉल होती है, ओरिजिनल साइज में होती है, तो बटन मैक्सिमाइज दिखता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी, this is original size we are working. You can see desktop is seeing, icons are seeing, taskbar is there. We can see other part of desktop also. ये इसकी small size है जिसमें हम work कर रहे थे, original size. अब हम इसको चाहें तो middle button पर click करेंगे तो ये maximize हो जाएगी और पूरी screen को cover कर लेगा। और जब window maximize हो जाएगी तो वापस कौन सा button appear हो जाएगा? Restore. So this way maximize and restore button works. And the last button of control group is close button. As the name is this, children, it is used to close the paint program. With the help of close button, we can close the program. Suppose our work is over in paintbrush and if you want to
just go and we want to shut down the computer. So it is good to close the program first and then we should shut down the computer. Please understand the topic carefully. Thank you.